हाय प्यारे बच्चों, आज हम नवोदय विद्यालय की बात करेंगे। और नवोदय विद्यालय का जो 2021 में फॉर्म आपका एग्जाम होने वाला है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका कराया गया है और उसका रिजल्ट उम्मीद है जल्द ही आ जाएगा। और बच्चे यही कह रहे होंगे ये 2021 की बात कर रहे हैं, अभी वो रिजल्ट आया ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना है, वो बच्चे के लिए हम बात कर रहे हैं जो अपनी तैयारी एक नए सिरे से 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उम्मीद है, आइए हम लोग जानकारी देते हैं। हम पहले बात करेंगे इस वीडियो में सिलेबस की, तो क्या क्या आता है इसमें। हिंदी आता है, तो ध्यान रखेंगे हिंदी रहता है। रीजनिंग आपका रहता है, तो रीजनिंग भी रहता है आपका, ठीक है। एंड थर्ड क्या रहता है आपका, मैथ रहता है, ठीक है। तो रीजनिंग रहता है, हिंदी रहता है और मैथ रहता है। तो आप बोल सकते हैं ये 20 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन रहता है और ये 20 क्वेश्चन रहता है। अगर हम कुल क्वेश्चन या नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल रहता है 80। अगर वन क्वेश्चन टोटल मार्क की बात करें, टोटल अगर हम मार्क की बात करें, कुल नंबर की बात करें, तो 100 नंबर का आता है, ठीक है। टोटल मार्क की बात करें कितना आता है, 100 नंबर का। वन क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वन क्वेश्चन आता है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 80, अगर 80 से डिवाइड कर दें 100 को, तो वन क्वेश्चन निकल का आएगा 1.25। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 1.25 नंबर का आता है। तो एक क्वेश्चन, और माइनस मार्किंग नहीं होती है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। अब हम बात करेंगे बुक्स, कौन सी बुक पढ़ी जाए जो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना है, दो ऑप्शन हम बुक देंगे, पहली बुक आती है इसकी और दूसरी बुक आती है। जो ध्यान रखना है, विदाउट प्रैक्टिस होता है, 5 सेट उसमें होते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें तो लगभग हम 3 ईयर से नवोदय की तैयारी करवा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दिए हैं। तो हम सोच रहे हैं, आपको इस समय लॉकडाउन है सो ऑनलाइन कुछ आपकी हेल्प कर सकें, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहली बुक आती है लूसेंट की, तो लूसेंट की बुक, और सेकंड बुक आती है अरहंत की, ठीक है। क्या आती है, अरिहंत की, तो ये ध्यान रखा है। दो बुक आती है अरिहंत और लूशन, ध्यान रखना है, गाइड लेना है। उसमें क्या रहेगा, पहले रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा और हिंदी भी, रीजनिंग मैथ हिंदी तीनों रहता है प्रैक्टिस। और ध्यान रखना है, हिंदी गद्यांश के रूप में आते हैं जिसको अनुच्छेद बोला जाता है, तो उसमें से प्रश्न रहता है। तो आपके लिए ये चीजें हैं। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जिसके बेस बहुत सारा सिलेक्शन हम दिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, इम्पॉर्टेंट बुक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक में क्या आती है, किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन आपको आना चाहिए, ये पब्लिकेशन बुक आपको लेना पड़ेगा। और ये लास्ट में, जब ये या ये बुक आपको दोनों में, या को अरिहंत लेनी है या तो लूसेंट की लेनी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बुक आपको लेनी ही लेनी है। इसमें क्या है, ये पब्लिकेशन में क्या है, आपको लगभग 31 सेट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जो आपके पिछली एग्जामों में, पिछले परीक्षा में आए हुए सेट होते हैं, उनको रखा होता है। लगभग 31 से 32 सेट होते हैं। और आपको चैप्टर वाइज, अभ्यास वाइज ध्यान रखना है, तो चैप्टर वाइज भी क्या रहता है, इसमें गाइड भी होती है, मतलब मैथ भी चैप्टर वाइज होता है, बहुत सारा प्रैक्टिस आपको मिलता है। सो ये बुक एक आपको लेनी है, पहले इसको फिनिश करना है अच्छे से, और फिर आपको क्या लेना है, किरण पब्लिकेशन की लेनी है। तो ये दो बुक आपको 1 ईयर में, इसी को बार बार रिविजन करना है, पहले ये आपको फिनिश कर लेना है, तो बेस आपका यहाँ से अच्छा हो जाएगा। फिर आपको इसमें डेली एक प्रैक्टिस करनी है और पूरे सेट को भी कंप्लीट करना है। तो
तो ये स्ट्रेटजी रही और ये नवोदय विद्यालय के लिए यही तरीके से हमने बहुत सारा जो है सिलेक्शन दिया है इसमें। तो आप ध्यान रखना है अपनी तैयारी आप कैसे करते हैं, तो ये जानकारी हम आपको दे चुके हैं। आपकी 2021 की तैयारी में आप जुड़ जाइए। ये ना देखिए कि वैकेंसी मतलब इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, उम्मीद है अक्टूबर नवंबर से फॉर्म अप्लाई होने लगता है। और इसके दो फेज में एफटी बार एग्जाम किए गए थे। फर्स्ट फेज में आपका कई उसमें ध्यान रखना है स्टेट वाइज था, जैसे यूपी का एग्जाम था, तो ये यूपी का एग्जाम जो है जनवरी में किया गया था, 11 जनवरी को किया गया था, और अप्रैल में दो फेज में एग्जाम था। दोनों का रिजल्ट अभी रुका हुआ है, तो लॉकडाउन के खत्म होने के बाद उम्मीद है जल्द ही रिजल्ट आएगा। तो उनकी एक अलग प्रक्रिया हो गई, उनका एडमिशन होगा, उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। आप अपनी तैयारी, जो नए बच्चे हैं उनकी तैयारी कैसे है, तो हम डेली जो है इस पर इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। और इसमें मैथ भी रहेगा, तो मैथ से ध्यान रखना है आपके सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है मैथ। जो 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं उसी से आपका सिलेक्शन होगा। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो अगली वीडियो आएगी मैथ की वो आपको अच्छे से जानकारी उपलब्ध हो पाए, ठीक है। थैंक यू।